अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी पब्लिक, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम बैक अगेन विथ माई अनदर इंटरेस्टिंग वेडिंग व्लॉग। वेडिंग होगी खत्म, आज है वलीमा, सो हम घर पर ही रेडी होंगे। मैंने घर पर सैलून वालों को बुलवाया है, सैलून एट द डोर स्टेप वालों को, मेकअप आर्टिस्ट को। मैं घर पर ही रेडी होंगी, सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आज फिर कितनी प्रिटी दिखती हूँ। सो कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ रहिएगा, मेरे व्लॉग देखते रहिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हैं ना आप लोग, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक सब कीजिएगा। तो हम अब चलते हैं रेडी होने। तो जी आज के हैं मेकअप आर्टिस्ट, अब वो मेरे साथ जा रही हैं और हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। वो हेयर स्टाइलिंग कर रही हैं, दो वर्कर्स आई हैं, ये आए हैं सैलून एट द डोर से, वो होम सर्विसेज देते हैं। और ये अभी स्टार्ट हो चुका है मेरा मेकअप मेकओवर। अब आप देखिएगा मैं कितनी गोरी लग रही हूँ ना, स्टार्ट हुआ है अभी, आगे आगे देखते हैं क्या होता है क्या होता है। मैं यही देख रही थी कि मैं क्यों इतनी अजीब सी लग रही हूँ, इतनी ज़्यादा गोरी लग रही हूँ, भूत भूत वाली फीलिंग आती है ना ऐसे। और मैं हंस रही थी कि यार क्या। अब मेरा हो चुका है आई मेकअप, मैंने बिल्कुल डिसेंट सा करवाया क्योंकि मेरी ब्लैक कलर की साड़ी थी तो उसके ऊपर मैंने लाइट ब्राउन शेड की आईज बनवाई थी। और ये सबसे बड़ा अजाब, आँखों के ऊपर लैशेस ऐसा लगते जैसे किसी ने अम्ब्रेला ऊपर रख दी हो, छतरी जिसको बोलते हैं, तो मुझे तो वही वाली फीलिंग आती है। अब मैं चेक कर रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ नहीं, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ, इन्होंने मेरे हेयर्स मेकअप अच्छा किया था, अच्छा था, हेयर स्टाइलिंग भी अच्छी थी। अगर मैं शायद इससे अच्छी और बनवाती तो और ज़्यादा अच्छी होती। फिर मैंने सोचा अब अपनी वीडियोस बनाई जाएं, मैं ऐसे इतना रेडी हूँ और वीडियोस ना बनाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लेट हो चुका था और अंधेरा भी होने वाला था। सो मैंने कुछ अपने वीडियो क्लिप्स बनाए जो मैं आपको इस वीडियोज़ में दिखा रही हूँ, क्या ज्वेलरी मैंने वेयर की है, मेरी साड़ी, मेरे इयररिंग्स, मेरे हेयर, हर चीज़, नेल्स, रिंग्स, सब कुछ इसमें आपको दिख रहा होगा। मेरी साड़ी भी आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक कलर में ये मेरी साड़ी थी, ये मैंने मारिया बी से बाय की थी। सो ये मेरी वीडियोस हैं। अब मैं परेशान थी अपने हेयर स्टाइल से और मैं खुद से बात कर रही थी कि यार मुझे हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये वो है, बहुत वो नहीं थी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हो गई थी। अब हम अब पहुँच चुके हैं वेन्यू रेक्स बैंक्वेट, अब जाएंगे अंदर। अब देखें कितना प्रिटी है यहाँ का इन्वायरमेंट, ये लाइट्स, वैसी लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, मैं इन्जॉय कर रही थी, मैं बोर नहीं हो रही थी। हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे तो आधा फंक्शन हो चुका था, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही अपनी कुछ, मैंने सोचा कुछ मस्तियां करते हैं, कुछ इन्जॉयमेंट करते हैं। फिर मैंने अपनी कुछ दोबारा वीडियोस बनाई जो कि परफेक्ट नहीं बन पाई और मैं मस्तियां कर रही थी, मस्ती। सो मैंने बहुत इन्जॉय किया और हमारी वेडिंग होती है आज यहीं पर एंड। आज लास्ट फंक्शन था, वो भी होता है खाने तक एंड। आप सब लोग मुझे दुआओं में याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।